दोस्तों अक्टूबर 2024 की कुछ ऐसी वेब सीरीज जो कि अक्टूबर महीने की सबसे बेस्ट वेब सीरीज मानी जाती हैं और इनकी क्राइम और थ्रिलर एक्टिविटी आपका दिमाग पूरी तरह से घुमाकर रख देने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे वेब सीरीज के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रही है अक्टूबर 2024 में, और ये सभी सीरीज रिलीज भी की गई है अक्टूबर 2024 में। तो दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज और हिंदी डब्ड वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में जो कि अक्टूबर में पूरी तरह से ट्रेंडिंग कर रही है। नंबर 6 पर है स्नेक्स एंड लैडर्स। दोस्तों, ये पूरी की पूरी मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। इस सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है दो चोरों से जिनका सामना अचानक से ही कुछ बच्चों से होता है। हाथापाई में एक चोर मारा जाता है और सभी बच्चे मिलकर उस चोर को दफना देते हैं, और इसी क्राइम को छिपाने के लिए वो बच्चे और भी ना जाने कितने सारे क्राइम्स करते हैं। ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज में दोस्तों आप अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होते हैं। इवन इसकी एंडिंग आपको सच में बहुत ही बड़ा सरप्राइज भी देने वाली होती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर। सीरीज की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा क्लीन है, इसीलिए इस सीरीज को चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। नंबर 5 पर है 1000 बेबीज। दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे नर्स से जो कि बच्चों की हेराफेरी करती है, और दूसरी ही तरफ हम देख रहे होते हैं एक सीरियल किलर जो कि बहुत सारे मर्डर्स कर रहा होता है, वो भी बड़ी ही बेरहमी से। लेकिन इन दोनों के बीच असल में क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की प्रेजेंटेशन दोस्तों सच में ऑसम है। सीरीज के सेकंड एपिसोड में कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जो कि हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद ना करें। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.3। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर। नंबर 4 पर है टी कप। दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी जो कि हॉरर थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है छोटे से गांव से जहां पर अचानक से ही आधे से ज्यादा गांव इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी कि एक बॉर्डर लाइन दी जाती है और उस बॉर्डर लाइन को जो भी क्रॉस करता है उसकी मौत बड़ी ही दर्दनाक तरीके से हो रही होती है। लेकिन असल में ये इन्फेक्शन कहाँ से आता है और इन सभी मौतों के पीछे असल में क्या रहस्य छिपा हुआ है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होते हैं। सीरीज दोस्तों फिलहाल अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए इस सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में ऑसम है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.8। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। नंबर 3 पर है द वॉकिंग डेड ड्रायल डेक्सॉन सीजन 2। दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि जॉम्बी टाइप सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस बार कैरोन से जो कि किसी भी तरह से डेक्सॉन को ढूंढ कर निकालना चाहती है। लेकिन असल में कैरोन डेक्सॉन को क्यों ढूंढ कर निकालना चाहती है और उसकी जर्नी कहां पर जाकर खत्म होती है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होते हैं। सीरीज में आप कुछ ऐसे भी खानाबदोश लोगों से मिलने वाले होते हैं जो कि जॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इस सीरीज को फिलहाल अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.5। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर। नंबर 2 पर है हाई पोटेंशियल। दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी क्लीनिंग लेडी से जो कि बड़े बड़े पुलिस केस को सॉल्व कर देती है, वो भी चुटकियों में। लेकिन असल में ये सारी केसेस वो किस तरह सॉल्व कर रही होती है, इसके पीछे असल में क्या रहस्य छिपा हुआ है और लास्ट तक ये क्लीनिंग लेडी कितने सारे केसेस सॉल्व करती है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होते हैं। सीरीज की प्रेजेंटेशन दोस्तों ऑसम है। सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इस सीरीज को भी फिलहाल अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.8। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और ABC नेटवर्क पर। नंबर 1 पर है द एज ऑफ स्लेव। दोस्तों, ये सीरीज नहीं बल्कि बवाल है। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जहां पर अचानक से ही एक नाइट गार्ड को ये पता चलता है कल रात जो भी सोए थे वो सभी के सभी लोग मारे गए थे, और यहीं से इस नाइट गार्ड की संघर्ष शुरू हो जाती है। वो अगर सो जाता है तो उसकी मौत तय है। लेकिन असल में ये मौतें क्यों हो रही होती है, इसके पीछे असल में क्या रहस्य छिपा हुआ है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज में ये भी दिखाई गई है कि ये नाइटमेयर अपने आप को बिना सोए कितना दिन तक जिंदा रख सकता है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 9। दोस्तों, ये सीरीज फिलहाल अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं की गई है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों ये सीरीज आपको भरपूर एंटरटेन करने वाली होगी। सीरीज के कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।